देख रहे हैं दखल न्यूज। ट्रंप के कश्मीर मध्यस्थता वाले बयान पर बवाल, अमेरिकी सरकार लगी डैमेज कंट्रोल में, दिन में 17 झूठ बोलते हैं ट्रंप। अब ओबीसी वर्ग को मिलेगा 27% आरक्षण, मध्य प्रदेश विधानसभा में बिल हुआ पास। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचा छोटा दोस्त, मोदी ने बच्चे के साथ फोटो किए वायरल। चंद्रयान 2 की सफलता का श्रेय लेने की होड़, बीजेपी कांग्रेस थपथपा रही है खुद की पीठ। और भोपाल की सांसद प्रज्ञा के खिलाफ प्रदर्शन, वाल्मीकि समाज ने कहा प्रज्ञा माफी मांगे। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता को लेकर दिए गए बयान के बाद दोनों देशों में बवाल मच गया है। जहां एक तरफ भारत में विपक्षी दल सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, वहीं ट्रंप के बयान के बाद अमेरिका में भी विपक्षी दलों ने इसे गलत करार दिया है। साथ ही ट्रंप प्रशासन अब डैमेज कंट्रोल पर जुट गया है। अमेरिका के एक अखबार ने तथ्यात्मक ब्यौरा देकर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप रोज 17 झूठ बोलते हैं। ट्रंप ने पाक पीएम इमरान खान से मुलाकात के दौरान कहा था कि पीएम मोदी ने कश्मीर मुद्दे पर उनसे मध्यस्थता की अपील की है। इसके बाद तो जैसे भारत में राजनीतिक बवाल मच गया है, विपक्षी दल संसद के दोनों सदनों में हंगामा कर रहे हैं। हालांकि भारत के विदेश मंत्री ने संसद में साफ कर दिया है कि पीएम मोदी ने ऐसी कोई अपील नहीं की। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन ने बयान जारी कर राष्ट्रपति की बयानबाजी से मचे बवाल को समेटने की कोशिश की है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता ने इस मामले में बयान जारी करते हुए कहा कि कश्मीर मुद्दा भारत और पाक के बीच का द्विपक्षीय मुद्दा है और अमेरिका इस मुद्दे पर बैठकर बात करने का स्वागत करता है, साथ ही इसमें सहयोग के लिए तैयार है। प्रवक्ता ने आगे कहा कि हम मानते हैं कि भारत और पाक के बीच किसी भी सफल बातचीत का आधार इस बात पर निर्भर है कि पाकिस्तान आतंकवाद और इसके ठिकानों पर कठोर और अपरिवर्तनीय कार्रवाई करे। यह एक्शन पाक पीएम द्वारा बयानों में किए गए वादों के आधार पर हो। हम बातचीत के लिए सही माहौल बनाने के लिए दोनों के बीच तनाव कम करने के लिए कदम उठाते रहेंगे। इस मामले में राष्ट्रपति का इशारा था कि हम सहयोग के लिए तैयार हैं। भले ही ट्रंप के बयान का बचाव शुरू हो गया हो, लेकिन अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद ब्रैड शेरमैन ने ट्रंप पर हमला बोला है। शेनमैन ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसी बात कभी नहीं करेंगे। हर वो शख्स जो दक्षिण एशिया की विदेश नीति के बारे में थोड़ा भी जानता है, उसे यह पता है कि भारत कश्मीर मसले पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का विरोध करता रहा है। ट्रंप का बयान गैर जिम्मेदाराना और भ्रामक है। एक अमेरिकी अखबार ने तो ट्रंप के बयान को हवा में उड़ाते हुए लिखा है कि ट्रंप दिन में रोज 17 झूठ बोल मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को सरकारी नौकरी और शिक्षा में 27% आरक्षण को विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। अभी तक प्रदेश में ओबीसी को 14% आरक्षण मिलता था, लेकिन इस बिल के पास होने के बाद अब से 27% आरक्षण मिलेगा। 27% आरक्षण देने के साथ ही प्रदेश में आरक्षण 63% हो गया है। हालांकि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के कमलनाथ सरकार के फैसले के खिलाफ पहले से ही हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं लगी हुई हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा में ओबीसी वर्ग को सरकारी नौकरी और शिक्षा में 27% आरक्षण को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने आरक्षण बिल में सुधार करते हुए मार्च में इस अध्यादेश को पेश किया था। पिछले महीने ही सरकार ने कैबिनेट में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। प्रदेश में अनुसूचित जाति को 16, जनजाति को 20 और पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण दिया जा रहा है। इस तरह तीनों वर्गों को मिलाकर 50% आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन इस बिल के पास होने के बाद प्रदेश में आरक्षण की सीमा बढ़कर 63% हो गई है। हालांकि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के कमलनाथ सरकार के इस फैसले के खिलाफ पहले से ही हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं लगी हुई हैं। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी की सरकार में ओबीसी का आरक्षण नहीं बढ़ाया गया, जबकि बीजेपी मुख्यमंत्री ओबीसी के थे। कमलनाथ सरकार का यह साहसिक फैसला है,
कोर्ट याचिका को लेकर शर्मा ने कहा कि बीजेपी के लोग याचिका लगाते हैं। निश्चित तौर पर ये कमलनाथ जी की देन है, क्योंकि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 3 मुख्यमंत्री ओबीसी के रहे, शिवराज सिंह चौहान जी और सभी, उसके बावजूद ये नहीं कर पाए। लेकिन कमलनाथ जी ने मैं समझता हूँ कि 6 महीने के अंदर ये बहुत बड़ा बिल पास किया है, साथ ही 10% आरक्षण सवर्णों को देने की भी बात की है। ये ऐतिहासिक फैसले हैं कमलनाथ जी के, उनका आभार मानना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूर्व मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि बीजेपी ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने का समर्थन किया है, लेकिन सरकार ने बिना योजना के आरक्षण को लागू किया है। सरकार की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है, कोर्ट में सरकार इसको कैसे रखेगी यह सोचने का विषय है। सरकार ने अधूरी तैयारी के साथ बिल पारित किया है। बीजेपी पर कोर्ट में याचिका लगाने पर सारंग ने कहा कि कानून मंत्री को होश ही नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं, कोई अभी तक कोर्ट ही नहीं गया है। ने उस विधेयक का समर्थन किया है, हम ये मानते हैं कि समुचित रूप से हर वर्ग के विकास के लिए सरकार को काम करना चाहिए, पर सरकार की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है। निश्चित रूप से ये बिल पास तो हम सब ने कर दिया, पर सरकार के मंत्री इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि क्या ये कानूनी रूप से कोर्ट में स्टैंड कर पाएगा। मुझे लगता है हमने तो सर्वानुमति से आरक्षण का बिल पास किया है, हम उसके पक्ष में हैं, पर सरकार का होमवर्क कमजोर था, इसलिए हमें लगता है कि ये बहुत स्टैंड कर नहीं पाएगा। पर हमने सुबह से शाम तक इस बात की ही होश नहीं रहता कि वो क्या बोल रहे हैं। अभी तो कोई कोर्ट में ही नहीं गया, उनको कहां से दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। सेंसेशनल न्यूज बनाना ये उनकी आदत हो गई है, इसमें कोई दम नहीं है। आज सदन में इस बात को स्पष्ट करना था ना कि आपने विधि विशेषज्ञों से इसकी जांच कराई या नहीं कराई, उस पर फेल हो गए, पर हमने उसको सर्वानुमति से पारित करवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक छोटे बच्चे को दुलारते कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं। इन तस्वीरों में मोदी बच्चे के साथ काफी खुश नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आ रहा बच्चा उज्जैन के राज्यसभा सांसद सत्यनारायण जटिया का पोता है। प्रधानमंत्री के साथ एक छोटे बच्चे की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। बच्चा भी प्रधानमंत्री के साथ पूरी मस्ती में है। यह बच्चा बीजेपी नेता राज्यसभा सांसद सत्यनारायण जटिया का है। सांसद जटिया के पुत्र राजकुमार और उनकी पत्नी दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान जटिया के पोते को प्रधानमंत्री से भरपूर स्नेह मिला। सांसद जटिया ने कहा कि ये पल बहुत ही आत्मीय रहे। प्रधानमंत्री ने बच्चे को दुलारते हुए हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि बड़े होकर सांसद बनना और अपने दादा की तरह दिल्ली आना। प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर फोटो के साथ लिखा कि आज संसद में एक बेहद खास दोस्त उनसे मुलाकात करने के लिए आया। विधानसभा में माध्यम की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए जबलपुर उत्तर विधायक विनय सक्सेना ने कहा कि माध्यम में समिति मनमाना पैसा खर्चा कर रही है। उन्होंने कहा बजट से 100 करोड़ से ज्यादा सिंहस्थ में खर्च किए गए, जो जनता की मेहनत की कमाई थी। विधायक ने सवाल उठाया कि जनसंपर्क है तो माध्यम की क्या जरूरत। विधानसभा में जनसंपर्क और माध्यम को लेकर सवाल उठाए गए विधायक सक्सेना ने कहा कि माध्यम जनसंपर्क से 15% चार्ज करता है। माध्यम में सिर्फ कुछ इन पैनल एजेंसी को ही कार्य दिया जा रहा है। इन पैनल एजेंसी की समय सीमा खत्म होने के बाद भी कार्य क्यों दिया जा रहा है, और अगर इन्हें दिया जा रहा है तो फिर जबकि प्राइवेट एजेंसी के पास भी कार्य का अनुभव है तो उन्हें क्यों नहीं दिया जा रहा। विधायक ने कहा कि जब जनसंपर्क विभाग है तो माध्यम क्यों। विधायक ने कहा कि सिंहस्थ में 327 करोड़ रुपए खर्च होने थे, लेकिन 100 करोड़ रुपए अधिक खर्च किए गए, इसकी जांच होनी चाहिए। जनसंपर्क मंत्री ने कहा कि सिंहस्थ घोटाले की जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। पूर्व जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने घोटाले को लेकर कहा कि अगर गड़बड़ी हुई है तो सरकार उनकी है, जाँच कराए। देखिये, महत्वपूर्ण बात यह है कि जनसंपर्क विभाग और माध्यम, जब जनसंपर्क विभाग है तो माध्यम संस्था के माध्यम से प्रचार प्रसार और विज्ञापन का पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है। प्रश्न ये था, जब दो संस्थाएं पैरेलल हैं तो एक संस्था बंद कर देना चाहिए। और गंभीर बात यह है कि 15% की राशि जनसंपर्क विभाग से ही वसूलता माध्यम संस्था। सिंहस्थ घोटाले में बजट था 327 करोड़ का, 100 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय हुआ, और ये 100 करोड़ रुपए जो अतिरिक्त व्यय हुआ उसकी जाँच की मैंने मांग करी, 100 करोड़ रुपये अतिरिक्त की, जिसपे जाँच में माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसकी जाँच होगी।
और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो दो चार अधिकारियों का एक कागज था पिछली सरकार में, जो जिन्होंने इस पैसे का खुर्दबुर्द किया, ये जो पिछले बार मध्य प्रदेश सरकार का जो खजाना खाली हुआ वो इसलिए नहीं हुआ कि जनता पैसा बहुत खर्च हुआ, ये पैसा चूंकि नेताओं पर बहुत खर्च हुआ, पूर्व मुख्यमंत्री जी अपनी ब्रांडिंग करते थे, इसके चलते पैसे की बर्बादी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज निनोरा सम्मेलन हुआ, उस निनोरा सम्मेलन का भी पूरा पैसा माध्यम संस्था के, क्योंकि माध्यम संस्था की जो जांच है कोई करता नहीं है, जनसंपर्क की अगर विभाग से कोई खर्च होता है तो उसकी ढेर सारी जांचें होती हैं। सक्सेना जी ने उसमें उन्होंने सीहस के अंदर जो पैसे 370 करोड़ रुपए खर्च हुए उसका 100 एक्स्ट्रा खर्च हो गए और कुछ भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यक्रमों कर दिए, ये इसका एक प्रश्न उठाया था, इसकी मैंने कह दिया कि जाँच। मध्य प्रदेश विधानसभा में चंद्रयान 2 की सफलता पर सदन में इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी गई। चंद्रयान 2 की सफलता का श्रेय लेने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष में होड़ मच गई। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को इसका श्रेय दिया, वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को इसकी सफलता का श्रेय दिया। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सदन में चंद्रयान 2 की सफलता पर बधाई देते हुए कहा कि इस अभियान में मध्य प्रदेश की 2 वैज्ञानिकों के शामिल होने से प्रदेश गौरवान्वित है। मध्य प्रदेश विधानसभा में चंद्रयान 2 की सफलता पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। प्रश्नकाल से पहले वैज्ञानिकों को बधाई देने के साथ ही सत्ता और विपक्ष ने सफलता का श्रेय लेने की होड़ मच गई। सत्ता पक्ष ने चंद्रयान 2 की सफलता श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यह कहकर दिया कि नेहरू ने इसरो की स्थापना की थी। वहीं विपक्ष ने इसका श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। विपक्ष ने कहा कि मोदी ने जो वैज्ञानिकों के लिए बजट निकाला है उसका यह परिणाम है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चंद्रयान 2 की सफलता पर देशवासियों को बधाई दी और कहा कि इस सफलता में प्रदेश के 2 वैज्ञानिक हिमांशु शुक्ला और मेघा भट्ट बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने चंद्रयान 2 के बूस्टर बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। चंद्रयान 2 की सफलता पर मैं सभी देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और उन सभी वैज्ञानिकों को जिन्होंने अपनी मेहनत करके चंद्रयान 2 को स्थापित किया। और हमारे लिए एक और गर्व की बात है कि हमारे मध्य प्रदेश के 2 लोग, हिमांशु शुक्ला और मेघा भट्ट, जो हमारे मध्य प्रदेश के निवासी हैं और दोनों वैज्ञानिकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनके लिए भी हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। चंद्रयान की सफलता पर मैं नरेंद्र मोदी जी को, भारत के वैज्ञानिकों को, भारत की सरकार को बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि के कारण आज हमने ये सफलता प्राप्त की है, सभी वैज्ञानिकों को बहुत बधाई। गौरतलब है कि प्रदेश के 2 वैज्ञानिक मंदसौर के हिमांशु शुक्ला और कटनी की रहने वाली मेघा भट्ट ने चंद्रयान 2 में अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। पूर्व मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि अगर इसरो की सफलता पर नेहरू को बधाई दे रहे हैं तो कश्मीर मुद्दों को लेकर UN क्यों गए थे? कश्मीरी पंडितों को वहां से हटाया गया, इसका श्रेय भी कांग्रेस को देना चाहिए। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने वैज्ञानिकों को चंद्रयान 2 की सफलता पर देश को बधाई दी। मध्य प्रदेश विधानसभा में लघु उद्योग निगम को 1 सप्ताह में भुगतान और विधायक निधि के भुगतान में देरी को लेकर सवाल उठाए गए। विधायक निधि बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तंज कसते हुए कहा कि आपने खजाना तो खाली दिया है, लेकिन इस पर चर्चा की जाएगी और निराश नहीं किया जाएगा। कमलनाथ ने कहा कि सांसद निधि बढ़ाने की मांग हमने भी की थी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान लघु उद्योग निगम का भुगतान 1 सप्ताह में किए जाने को लेकर सवाल उठाया गया। विधायक सुदेश राय ने कहा कि विधायक निधि के भुगतान में देरी की जाती है जिससे कार्य प्रभावित होता है और वही लघु उद्योग निगम की एजेंसी के भुगतान मात्र 1 सप्ताह के अंदर कर दिए जाते हैं। सदन में रामेश्वर शर्मा ने विधायक निधि को बढ़ाने की मांग की, जिस पर कमलनाथ सरकार ने कहा कि बीजेपी ने तो खजाना खाली कर दिया है, हमने भी सांसद निधि बढ़ाने की मांग की थी लेकिन इस पर विचार नहीं किया गया। कमलनाथ ने कहा कि विधायक निधि बढ़ाने पर विचार किया जाएगा, आपको निराशा नहीं होने देंगे। जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा ने कहा कि CM का दिल बहुत बड़ा है, इस पर चर्चा की जाएगी और विधायक निधि बढ़ा दी जाएगी। ये कमलनाथ जी जैसा दिलदार मुख्यमंत्री यही कर सकता है, उन्होंने कह दिया है कि विपक्ष के नेता से बात करके करेंगे,
जिससे विधायक अपने अपने क्षेत्रों में ज्यादा काम कर सके। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने सदन में कहा कि ऐसा कम होता है जब लगभग सभी सदस्य मौजूद हों, ऐसे में सीएम को विधायक निधि बढ़ाने की घोषणा कर देनी चाहिए। गोपाल भार्गव ने पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को किस्त न मिलने का भी मुद्दा उठाया। पूर्व मंत्री विश्वास सारंग ने विधायक निधि बढ़ाने को लेकर कहा कि विधायकों द्वारा किए जाने वाले घोटाले बड़े कार्यों को करने के लिए विधायक निधि बढ़ानी चाहिए। विधायक निधि कम होने के कारण कुछ कार्य अधूरे रह जाते हैं जिन्हें पूरा किया जा सकता है। विश्वास सारंग ने शून्यकाल के दौरान बैरसिया में हो रहे कब्जे के बारे में भी सूचना दी और कब्जा हटाने की मांग की। बरसात आ गई है, गड्ढे रोड के गड्ढे नहीं भर रहे। ये छोटे छोटे से काम जो थोड़े से बजट में हो जाते हैं, पर सरकार का कोई भी विभाग ऐसे डेवलपमेंट के विकास के काम नहीं कर रहा। इसलिए आज हमने मांग उठाई कि हमारी विधायक निधि ही बढ़ा दीजिए, हम जनता की सेवा कर सके, हम जनता के बीच जाए। और इस सदन में तो लगभग आधे आधे विधायक हैं। यदि विधायक निधि बढ़ेगी तो कांग्रेस के विधायकों को भी मिलेगी। हमने कहा 5 करोड़ रुपए विधायक निधि करें, आप कुछ विकास नहीं कराए तो हम तो जनता का विकास करा पाए। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर स्वच्छता को लेकर दिए गए बयान के बाद बीजेपी ने जहां उनकी क्लास लगाई है, वहीं अखिल भारतीय मजदूर सफाई संगठन ने सांसद प्रज्ञा के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनसे वाल्मीकि समाज से माफी मांगने को कहा। विवादित बयानों के लिए विख्यात सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार प्रज्ञा ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता अभियान पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हम नाली और शौचालय साफ करवाने के लिए सांसद नहीं बने हैं। इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हंगामा खड़ा कर दिया है। अखिल भारतीय मजदूर सफाई संगठन ने इस बयान का विरोध कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने हमारा उपहास उड़ाया है, हम ये सहन नहीं करेंगे और साध्वी को वाल्मीकि समाज से माफी मांगना पड़ेगी। जैसा कि आप भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर द्वारा उनका बयान बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे देश के सफाई कर्मचारी इसका देश सफाई कर्मचारियों का अपमान है। ये सफाई कर्मचारी पूरे देश में ये अपमान को नहीं सहेंगे। इस तरीके का अपमान पूरे देश में सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज नहीं सहेगा। यदि अगर वो इस तरीके का बयान और इस तरीके की बातें अगर नहीं करेंगी तो हम आगामी नगर निगम चुनाव में उनको मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने जो सफाई कर्मचारियों के विरुद्ध बोला है यहाँ पर कि हम सफाई कर्मचारी के लिए सांसद नहीं बने हैं और शौचालय को साफ करने के लिए तो बिल्कुल नहीं बने हैं, तो ये सफाई कर्मचारी भी यहाँ पर इंसान हैं। जिस तरीके का उनका बयान है वो शर्मनाक है और उनका हम निंदा करते हैं। कांग्रेस ने प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि विपक्ष सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। सदन में चर्चा से ये लोग भागते हैं और बाहर आकर जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं।
कांग्रेस मीडिया सेल की अध्यक्ष शोभा ओझा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। ओझा ने कहा कि विपक्ष नेता विधानसभा के बाहर तो सरकार पर कई निराधार आरोप लगाते ही हैं, लेकिन जब विधानसभा के अंदर चर्चा करने या सरकार को घेरने की बात आती है तो विपक्ष के नेता सदन के भाग खड़े होते हैं। ओझा ने कहा कि चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय या फिर गोपाल भार्गव, सारे नेता सिर्फ जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। जब भी संख्या प्रूव होने की बात आती है तो ये बहलगवन कर जाते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं कोई ना कोई बहाना लेके। तो ये दिखाता है कि कितने नॉन सीरियस, कितनी असंवेदनशील और विपक्ष मध्य प्रदेश ने पाया है कि वो केवल और केवल झूठ बोलो, भ्रम फैलाओ में ही जीरी और एक मुंगेरी लाल का हसीन सपना लेके चल रही है, बजाय इसके कि प्रदेश की जनता के लिए मुद्दों की बात करे वो इस बात को फैलाने में लगती है कि कुत्तों के ट्रांसफर्स हो रहे हैं। वो इस बात को फैलाने में खुश होती है कि सरकार गिर रही है। पहली बार मध्य प्रदेश के इतिहास में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में इतवार को, रविवार को भी सदन की कार्रवाई चली। बीजेपी नेताओं के सरकार गिराने की बात पर ओझा ने कहा कि सरकार का फ्लो टेस्ट सदन के अंदर साबित होता है, ना कि मीडिया में, और सदन के अंदर बीजेपी नेता वॉकआउट कर जाते हैं। ओझा ने कहा कि मुख्यमंत्री कई बार बोल चुके हैं कि बीजेपी जब चाहे विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर सकती है। ओझा ने विपक्ष से कहा कि वे प्रदेश के विकास में सरकार का सहयोग करें, ना कि जनता में भ्रम फैलाने का। रक्तदान महादान की बात करने वाले मंडला के एक एसडीएम आसाराम मेश्राम और बीईओ आनंद जैन में रक्तदान सूची को लेकर जमकर बहस हुई। इन अधिकारियों को देखकर लग नहीं रहा था कि इनको रक्तदान जैसे आयोजन में कोई खास लगाव है। सब अपनी अपनी बॉस गिरी झाड़ने में लगे थे। मंडला में रक्तदान शिविर के दौरान निवास एसडीएम आसाराम मेश्राम और बीईओ आनंद जैन में रक्तदान सूची को लेकर जमकर कहा सुनी हुई। दोनों अधिकारियों की रार का कुछ हिस्सा कैमरे में कैद हो गया। दोनों अधिकारियों ने एक दूसरे को खरी खोटी सुनाई। वहीं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आनंद जैन ने एसडीएम आसाराम मेश्राम पर झूठी शिकायत और गलत व्यवहार करने के आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने आपका गेट नहीं बनवाया, आप इसलिए मेरे पीछे पड़े हैं। आपको टाइम पे टीएल में आना है ऐसा नहीं है। हाँ, समझना नहीं, दो महीनों से जब से आपका वो गेट नहीं बना है ना, तब से आप मेरे हाथ धो के पड़े हुए हैं। आप गेट बना लो ना, मैं बना लो, क्यों बनाऊंगा, अधिकार है क्या? अरे मैंने बोला क्या? अधिकारियों ने एक दूसरे पर झूठी शिकायतें करने के आरोप भी लगाए। दरअसल निवास ब्लॉक मुख्यालय में सोमवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जहां पर खंड स्तरीय अधिकारी कर्मचारियों के अलावा क्षेत्रीय जनता रक्तदान कर रही थी। उसी दौरान दोनों अधिकारियों में जमकर बहस हुई। एक पोते ने अपने दादा की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। मृतक दादा का दोष इतना था कि उसने अपने पोते को नशे से दूर रहने को कहा और खर्च के लिए पैसे देने से मना कर दिया। ये मामला छतरपुर का है। छतरपुर में एक कलयुगी पोते ने अपने दादा की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। घटना सिविल लाइन थाने के मोराहा की है। अनिल अहिरवार ने अपने दादा से खर्चे के लिए रुपए मांगे थे तो दादा ने उससे यह बोल दिया कि कब तक नशा करते रहोगे, कुछ काम करो। इतना सुनते ही अनिल आग बबूला हो गया और पास में रखी कुल्हाड़ी से अपने दादा पर वार कर दिया, जिससे दादा की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी अनिल भागने लगा तो उसके परिवार के लोगों ने पकड़कर उसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पोते को दादा की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी को भी जब्त कर लिया। पिताजी है नाती ने मार दिया, उन्हें समझ नाती खिसिया, गुस्सा कर दिया, बोले साले कुछ काम धंधा करो काम धंधा, कैसे खाने को मिलेगा है? तो समझाने की उनने बात कही, नाती को बुरा लगा तो बस अब उसने उठाई कुल्हाड़ी मार दिया। हम भीतर खड़े थे, हम अपने काम के लिए तैयार थे, बस इतने में मार दिया। ये अपना ग्राम मोराहा में कटुआ है, वार्ड ने अपने नाती को डांटा होगा कि तू काम नहीं करता है, काम करने लग कहाँ तक बगैर की खाएगा। इसी बात पर से गुस्सा होकर उसने कुल्हाड़ी उसके सिर में मारी थी और वो मर गया।
उसमें अपराध कायम होकर विवेचना हो रही है, सौ का पीएम कराया जा रहा है। एक मकान का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों की नगदी, जेवरात और लाइसेंसी राइफल के 13 जिंदा कारतूसों पर हाथ साफ कर दिया। चोरियों से परेशान लोगों ने पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा किए और एसपी को ज्ञापन सौंप कर थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग की। ही चोरी की घटनाओं से लोग परेशान हो चुके हैं। क्षेत्र में कई चोर गिरोह सक्रिय हैं। पीड़ित लोग रोजाना थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन पुलिस के सुस्त रवैये के चलते चोरी की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगाया जा सका। ताजा मामला सामान थाना के इंदिरा नगर वार्ड का है, जहां एक मकान का एक ताला तोड़कर 2.5 लाख की नकदी सहित 50,000 के जेवरात और लाइसेंसी राइफल के 13 जिंदा कारतूस चोरी कर लिए गए। मकान मालिक योगेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि वे अपनी भतीजी का एडमिशन कराने के लिए रीवा से इंदौर गए हुए थे। जब वे वापस आए तो देखा कि कमरे की अलमारी का ताला टूटा हुआ है, सारा सामान तथा जरूरी बैंक संबंधी दस्तावेज बिखरे पड़े हुए हैं। मैं 13 तारीख को इंदौर चला गया था। 16 तारीख को जब लौटा, जब अपने घर में देखा तो घर का दरवाजा एवं अंदर के दोनों अलमारी टूटे हुए थे, सारा सामान बिखरा हुआ था। तुरंत जाकर के मैंने सामान थाना में सूचना दिया। मौका मुआयना कराने के बाद जब मैंने अपना सामान चेक किया तो वहाँ से 2.5 लाख रुपए कैश और जेवरात गायब था। ये चीज़ मैंने सब थाना प्रभारी को बताया, मिस्टर वीडी द्विवेदी जी को। वही आईओ हैं और एफआईआर में वही तफ्तीश कर रहे हैं। ये सारी जानकारी मैंने उनको दिया। पड़ोस में रहने वाली अनीता पांडे ने बताया कि उनके घर में भी चोर घुस आया था। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, लेकिन पुलिस महकमा भी चोर के पकड़ने में नाकामयाब साबित हुआ है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करते हुए लोगों ने रीवा एसपी आबिद खान को ज्ञापन सौंप कर रोष जताया है। समान थाना अंतर्गत एक दिन 13 तारीख को चोरी हो गई थी। प्रवास में चले गए थे अपने निजी काम से और जब लौट के आए तो इनका घर पूरी तरह चोरों ने साफ कर दिया था। कई जेवरात और गहने और नकदी भी पार कर ले गए। इस संबंध में थाना समान में ये FIR दर्ज कराए। FIR थाना प्रभारी को उसकी फुटेज और CC कैमरे की फुटेज उपलब्ध कराई गई। इसके बावजूद थाना प्रभारी ने बड़ी सक्रियता के साथ इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की। आज ज्ञापन के माध्यम से माननीय पुलिस कप्तान महोदय को इस संदर्भ में सूचित किया गया है कि लगातार 13 तारीख के चोरी होने के बाद आज दिनांक तक की स्थिति में फुटेज होने के बाद थाना समान थाना प्रभारी द्वारा कोई कार्रवाई न किया जाना एक अपने आप में प्रश्न खड़ा करता है। माननीय कप्तान महोदय पुलिस अधीक्षक रीवा को इस संदर्भ में सूचित किया गया है। देखिए, समान में चोरी हुई थी जिसके बारे में अभी कुछ कंप्लेनेंट आए थे उनके, और उनका कहना था कि कुछ फुटेजेस उनके पास उपलब्ध हैं। फुटेज उन्होंने जो हमारे विवेचक है आईओ है उनको उपलब्ध भी कराए हैं, और जरूर अगर फुटेजेस मिले हैं तो उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। भोपाल में एक तेज रफ्तार ट्रक और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसके चलते गुस्साए लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। भोपाल के अयोध्या नगर चौराहे पर तेज गति से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार एक युवक को कुचल दिया, जिससे युवक की मौके पर मौत हो गई और ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इस घटना से आसपास के लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है और गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगा दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lncdu.ac.in.